सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी अपने बीच में पहुंचे हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत। इनके साथ मंच पर उपस्थित जिनका मार्गदर्शन हमें लंबे समय से मिलता आ रहा है, ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा में सांसद आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जिन्होंने सबसे बड़े राज्य, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके आप अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा से आपने अपना काम शुरू किया, प्रदेश में कई बार मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय कल्याण राज मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा के सह प्रभारी, 3 बार से मध्य प्रदेश की विधानसभा में वहां के विधानसभा के सदस्य, युवा नेता आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहन सुधा यादव जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, और उपस्थित पत्रकार मित्रों, सभी विधायकगण यहां पर उपस्थित, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रमुख पालक, ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सर्वप्रथम में आप सबकी तरफ से हरियाणा, क्योंकि जवानों की भी भूमि है, किसानों की भी भूमि है, सबसे ज्यादा जवान अगर देश की सेना में तो हरियाणा में है, और जब शहादत देनी होती है तो भी सबसे ज्यादा शहादत हरियाणा की तरफ से जाती है। तो एक बार भारत माता की जय के साथ, क्योंकि पुलवामा में भी शहीद हुए हैं, शिवानी के गांव के भी एक हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, इसलिए भारत माता की जय के साथ एक बार उन सबके सम्मान में हम एक जोरदार जय घोष करेंगे, भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें हैं, पिछला जो चुनाव था देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने गुजरात को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया था, ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला ही कार्यक्रम हरियाणा में हुआ, इस जवानों की भूमि पर हुआ, वीर तुलाराम जी की धरती पर रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी रैली हुई थी, उस पहले कार्यक्रम से जो आगाज हुआ था, और उसके बाद से देश में जिस प्रकार से सिलसिला चला था लोकसभा चुनाव के प्रचार का, तो दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी के विजय का रथ आगे बढ़ता गया, और देश में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर बहुमत की सरकार पहली बार बनी, तो उसने हरियाणा प्रदेश का 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीत करके देने का योगदान था। लेकिन अध्यक्ष जी, उसके बाद तो आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, आपकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हरियाणा प्रदेश के एक एक बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फहराने का काम किया। 31 लाख से ज्यादा सदस्य आपके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता ने बनाने का काम किया। आपका जो मजबूत मार्गदर्शन हमें मिलता है, और मोदी जी के नेतृत्व में किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, व्यापारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, देश के सम्मान की बात करें, सब दिशाओं में इतने काम हुए हैं,
कि अब ये जो चुनाव आया है अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में, मैं विश्वास दिलाता हूँ, पहले तो केवल मोदी जी के प्रति आस थी, अब मोदी जी और आपके कारण से जो देश के अंदर काम हुआ है उसके कारण से आज के बाद आज विश्वास है। उस विश्वास के भरोसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी चुनाव का दिन बनेगा, ये तीन लोकसभा क्षेत्र जिनके कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित है, दुर्भाग्य से पिछली बार हम जीत नहीं पाए थे, इस चुनाव में आपकी प्रेरणा से, मोदी जी के आशीर्वाद से और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो जनता का विश्वास हासिल किया है उसके सहारे ये तीन लोकसभा क्षेत्र भी हम लोग जीत करके उन सात के सात सकोर को दस करने का आज विश्वास आपके व्यासकान भेजना चाहते हैं। मैं ज्यादा बात ना कहता हुआ हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेरणा होगा, सारी बातें आप हमें कहकर दे जाएंगे। इसलिए एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले आपका मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और एक बार जोरदार नारे के साथ आप अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाए इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों को भी आज भी।